नमस्ते दर्शक मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर किशोर कवाड़। मैं इंदिरा IVF हॉस्पिटल अहमदाबाद सेंटर में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पर काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे रिकरन इम्प्लांटेशन फेलियर के बारे में। जब भी महिला में 2 या 3 साइकिल अच्छी क्वालिटी के गर्भ ट्रांसफर करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो ऐसे दंपति को हम रिकरन इम्प्लांटेशन फेलियर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अभी रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर के लिए बहुत सारे रीज़न कारण अवेलेबल हैं, जवाबदार हैं और सभी के लिए आज की तारीख में कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो आज हम बात करेंगे कारणों और ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहला और सबसे ज़्यादा महत्व रखता कारण है गर्भाशय में जो हम एम्ब्रियो डालते हैं वो जीनेटिकली नॉर्मल है कि नहीं। तो आज की तारीख में PGS नाम की टेक्निक मतलब प्री इम्प्लांटेशन जीनेटिक स्क्रीनिंग के द्वारा हम गर्भाशय में गर्भ को रखने से पहले ही वो जीनेटिकली स्वस्थ है कि नहीं वो जान सकते हैं। तो जीनेटिकली स्वस्थ गर्भ को हम गर्भाशय में रखें तो उसके इम्प्लांटेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं, अबॉर्शन मिस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। दूसरा और सबसे ज़्यादा महत्व रखता फैक्टर है वो महिला का गर्भाशय। महिला का गर्भाशय में 2 तरह की दीवारें होती हैं, एक तो अंदर की दीवार जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं और एक बाहर की दीवार जिसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं। अंदर की दीवार अच्छी बननी चाहिए ताकि जो गर्भ है वो अच्छी तरह से चिपक पाए, इम्प्लांट हो पाए। कई बार ये गर्भाशय की अंदर की दीवार अच्छी नहीं बनती है तो ऐसे केस में इम्प्लांटेशन चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये गर्भाशय की अंदर की दीवार अच्छी बने इसके लिए हम पहले दवाइयों से मदद करते हैं। अगर समझो कि वो दवाइयों से नहीं बनती है तो हम हिस्टोस्कोपी मतलब गर्भाशय में दूरबीन डाल के उसको तपास करते हैं ताकि ये पता चले कि वो क्यों कम बन रही है। कई बार गर्भाशय की अंदर की दीवार में मसा होता है मतलब पॉली फाइब्रोइड, अंदर सेप्टम होता है, कई बार अंदर एडेशंस होते हैं। तो ये सारे केस में हम हिस्टोस्कोपी की मदद से पॉली फाइब्रोइड या सेप्टम को हम रिमूव कर सकते हैं और कैविटी को इन्हांस कर सकते हैं जिसकी मदद से हम गर्भाशय की अंदर की दीवार को अच्छी बना सकते हैं। एंड उसके बाद अगर हम गर्भ को रखें तो उसकी इम्प्लांटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गर्भाशय की बाहर की दीवार जिसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम में उम्र के साथ गांठें बनती हैं, सूजन आती हैं। अगर समझो कि सूजन है तो उसके लिए हम इंजेक्शन देते हैं। अगर बहुत सारी गांठें हैं तो लेप्रोस्कोपी की मदद से हम वो गांठों को दूर कर सकते हैं। कई बार गर्भाशय की अंदर की दीवार बाहर की दीवार अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो भी हम ट्रांसफ़र करते हैं फिर भी नहीं चिपकता, तो ऐसे केस में हम एक एरा का रिपोर्ट करते हैं। एरा मतलब एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी असे। ये रिपोर्ट के द्वारा हम इम्प्लांटेशन विंडो मतलब एक टाइम पीरियड होता है कि जब इम्प्लांटेशन होने के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं, तो हम ये टाइम पीरियड उस रिपोर्ट के द्वारा हम जान सकते हैं। अगर हम गर्भ को उसी टाइम में हम गर्भाशय में ट्रांसफर करें तो उसकी इम्प्लांटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा होता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। कई सारी महिला ऐसी होती है कि उसकी इम्यून सिस्टम हम जो गर्भ को गर्भाशय में रखते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो इम्यून सिस्टम को हम सप्रेस करने के लिए कई बार लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन नाम के इंजेक्शन देते हैं, इकोस्प्रिन की टैबलेट चालू करते हैं, भार्गलोक के इंजेक्शन देते हैं। कई सारी महिला को इंट्रालिपिड नाम के पाइंट चढ़ाने पड़ते हैं, IVIG मतलब इम्यूनोग्लोबिन्स की थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे पेशेंट को हम लीड थेरेपी की मदद से इम्प्लांटेशन के चांसेस हम बढ़ा सकते हैं, इम्यून सिस्टम को हम सप्रेस करते हैं ताकि इम्प्लांटेशन के चांसेस रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाए। मेन फैक्टर में हम बात करें तो शुक्राणु की क्वालिटी कई बार बहुत ही खराब होती है, तो ऐसे केस में अगर उसकी संख्या कम है, उसकी मॉर्फोलॉजिकली ये शुक्राणु कम है, तो ऐसे केस में हम DFI मतलब डीफ्रेगमेंटेशन इंडेक्स के द्वारा हम नॉर्मल शुक्राणु के जिसमें DNA इंटेक होता है उसको हम अलग कर सकते हैं। बाद में वो इंडेक्स को हम इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन देते हैं और 3 महीने के बाद DFI करके जो भी अच्छी क्वालिटी के हम शुक्राणु मिले उसका हम ICSI में मदद करें ताकि उसकी वजह से अच्छी क्वालिटी के गर्भ बने जो जेनेटिकली भी स्वस्थ हों। और अगर अच्छी क्वालिटी के गर्भ को हम गर्भाशय में रखेंगे तो ऑब्वियसली इम्प्लांटेशन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप RIF मतलब रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर से आप पीड़ित हों तो ये सारी ट्रीटमेंट सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप अपनी इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ा सकते हो, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकते हो और आपकी निसंतानता की तकलीफ को दूर कर सकते हैं। थैंक यू।